पाठ तीन आजादी दिवस दिया तैयारियां। इस पाठ विच दस्या गया है कि किवें स्कूला विच स्वतंत्रता दिवस मनाया जांदा है, किवें देश दे होरना हिस्सियां ते राजधानी दिल्ली विखे स्वतंत्रता दिवस मनाया जांदा है, इस दिन दी साडे जीवन विच की महत्ता है। साडे स्कूल विच आजादी दिवस हर साल बड़ी धूमधाम नाल मनाया जांदा है। इस बार भी साडे स्कूल विच इस दिन नूं मनाउण दा पूरा उत्साह सी। कई दिनां तों इस दीआं तैयारियां चल रहियां सन। इस वास्ते सारे स्कूल नूं रंग रोगन करवाया गया सी। रंगारंग अते देश भगती दे प्रोग्राम दी तैयारी वास्ते जोरां शोरां नाल रिहर्सल चल रही सी। इस बार मुख मेहमान दे रूप विच इलाके दे MLA साहब नूं बुलाया गया सी। आखिर ओह शुभ दिहाड़ा भी आ गया। मुख मेहमान जी भी समय सिर पहुंच गए। सब तो पहला उना नू सारे स्कूल दा चक्कर लवाया गया। फिर उस खुले सारे मैदान च लियांदा गया जिथे समागम दा आयोजन कीता गया सी। इस खुले मैदान विच एक खूबसूरत पंडाल सजाया गया सी। मुख मेहमान जी ने सब तो पहला तिरंगे झंडे नू लहराण दी रस्म अदा कीती। मुख मेहमान जी नाल प्रिंसिपल, स्टाफ अते सारे विद्यार्थियों ने मिल के झंडे नू सलामी दिती। इस तो बाद राष्ट्रीय गान गाया गया। हुण मुख मेहमान जी स्टेज दे सामने लगे सोफिया ते जाके बैठ गए। उना दे नाल इलाके दे पतवंते सज्जन, प्रिंसिपल साहब ते होर बहुत सारे मेहमान आके बैठ गए। उना दे पिछे स्कूल दा स्टाफ ते विद्यार्थी बैठे सन। स्टेज दी कारवाई शुरू हुई। साडे स्कूल दे पंजाबी वाले अध्यापक सरदार अजीत सिंह जी स्टेज सकत्तर दी भूमिका निभा रहे सन। उना ने मेहमाना दा स्वागत करन तो बाद कुछ विद्यार्थियों नू एक देश भगती दा ग्रुप गीत गान वास्ते स्टेज ते बुलाया। संगीत दिया मधुर धुना विच एह ग्रुप गीत गाया गया। दर्शकां ने ताड़ियां वजा के इस गीत दा सम्मान कीता। इस तो बाद भगत सिंह जी दे जीवन नाल संबंधित एक कोरियोग्राफी पेश कीती गई। इस कोरियोग्राफी नू सब ने बहुत पसंद कीता। अंत विच जदों सरदार भगत सिंह, राजगुरु अते सुखदेव नू फांसी देण दा दृश्य विखाया गया तां सारियां दीआं अखां विच पाणी सी। स्टेज सकत्तर जी वख-वख प्रोग्रामां दी पेशकारी कराउंदे गए। प्रोग्राम दी हर आइटम एक तो एक वध के सी। मुख मेहमान ते होर इलाके दे पतवंते सज्जणां ने इस प्रोग्राम दी भरपूर सराहना कीती। अंत विच मुख मेहमान जी स्टेज ते आए। उन्हां ने अपने भाषण विच दस्या कि देश नू आजादी किवें प्राप्त, किवें अंग्रेज साडे देश विच व्यापारी बन के आए ते देश दे मालक बन बैठे, किवें अंग्रेजां ने भारतीयां दी आपसी फुट दा लाभ उठाया ते लगभग 200 साल साडे ते राज कीता, योद्धियां ने फांसियां दे रस्सियां नू चुम्मिया, जेलां कटियां, असह ते अकह तसीहे चुल्ले, दूसरे विश्व युद्ध तो बाद अंग्रेजां दी ताकत कमजोर हो गई, इधरों आजादी दी ललकार जोरदार हुंगारा भर रही सी। अंत अंग्रेज भारत नू छड़ के जान लई मजबूर हो गया। अंग्रेज अपनी कूटनीति तो फिर भी बाज ना आया। ओह हिंदुस्तान नू जांदे जांदे भारत अते पाकिस्तान दे रूप विच दो हिस्सियां विच वंड गया। भारत विच रहंदे मुसलमानां नू छड़ के पाकिस्तान जाना पिया ते पाकिस्तान विच रहंदे हिंदुआं अते सिखां नू हिंदुस्तान आना पिया। इना दिना विच खूब दंगा फसाद होए। दंगियां विच हजारा ही जाना भंग दे पाड़े चलियां गईयां। प्यारे बच्चियो, तद तो 15 अगस्त दा दिन भारत दी आजादी दे इतिहास विच सुनहरी अखरां विच लिखिया गया है। इस दिन तो साडे देश दी अपनी सरकार बनी। पंडित जवाहर लाल नेहरू नू देश दे पहले प्रधानमंत्री वजो सौ चुकाई गई। जदों उन्हां ने लाल किले ते तिरंगा लहराया तां सारा आकाश प्रसन्नता दे नारियां नाल गूंज उठिया। उस दिन तो असी इस दिन नूं भारत दे वख-वख शहरां, कस्बियां, राज्यां अते राजधानियां विच बड़ी धूमधाम नाल मनाउंदे चले आ रहे हां। इह दिन राजधानी दिल्ली विखे बड़ी शान नाल मनाया जा रहा है। इस सारे प्रोग्राम दा सीधा प्रसारण रेडियो अते टीवी दे वख-वख चैनलां ते पेश कीता जा रहा है। किवें अज सवेरे देश दे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले ते तिरंगा लहराया अते राष्ट्र दे नां अपना संदेश दिता। मुख मेहमान जी ने अंत विच स्कूल नू 2 लाख रुपए दी ग्रांट भी दिती।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ।